हेलो एंड वेलकम टू आशीर्वाद स्टेट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 4 BHK लग्जूरियस फ्लैट जो कि 115 गज में बनाया गया है। ये फ्लैट उत्तम नगर के मोहन गार्डन GE ब्लॉक में पड़ता है जो कि द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से सिर्फ 400 से 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे अवेलेबल है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो फ्लैट्स आपको प्रोवाइड होता है उसके साथ आपको कार पार्किंग की फैसिलिटी भी मिलती है। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं बिल्डिंग के अंदर और देखते हैं अपने फ्लैट को। फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं हमारे 4 BHK लग्जूरियस फ्लैट के मेन एंट्री डोर पे जो कि 115 गज में बनाया गया है। जैसे हम एंटर करते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे लिविंग एरिया का स्पेस जो काफी स्पेशियस मिल जाता है। अब क्योंकि ये फ्लैट 115 गज में बनाया गया है सो उसके हिसाब से यहाँ पर स्पेस काफी अच्छा आपको प्रोवाइड हो जाता है। अगर आप फिटिंग की बात करें तो यू शेप में आप बड़ा सा सोफा सेट यहाँ पर लगा सकते हैं। आराम से 12 से 15 सीटर सोफा सेट यहाँ पर आपका आ जाता है। सेंटर में आपको सेंटर टेबल लगाने के लिए भी स्पेस मिल जाता है। साथ ही आपको बताता चलूं, यहाँ जो वॉलपेपर यूज़ किया गया है वो प्रीमियम क्वालिटी का 3D वॉलपेपर है जो काफ़ी प्रीमियम देखने में तो लगता ही है। साथ ही अगर आप बात करें तो यहाँ पर फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से मिल जाता है। LED लाइट्स एंड कॉब लाइट्स का परफेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर भी यूज़ किया गया है। इसके साथ ही बताता चलूं, यहाँ पर आपको स्प्लिट AC के कनेक्शन मिल जाते हैं जहाँ पर आपका स्प्लिट AC लग जाएगा। और अगर वॉलपेपर के ऑपोजिट साइड में अगर बात करते हैं तो इस तरफ आपको बहुत ही बड़ा लग्जूरियस LED TV पैनल देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया गया है। साथ ही यहाँ पर मिरर्स का भी यूज़ किया गया है जो काफ़ी प्रीमियम देखने में लग रहा है। साथ ही आपको स्पेसेस के लिए नीचे आप देख सकते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट्स दिए गए हैं जिसमें आप अपने TV से रिलेटेड एसेसरीज को कनेक्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का ही हमारा लिविंग एरिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी ब्यूटीफुल और काफ़ी स्पेशियस इस लिविंग एरिया को बनाया गया है। लिविंग एरिया के साथ ही आपको अटैच कॉमन वॉशरूम भी प्रोवाइड होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, ये हमारा एंट्री गेट है जहाँ से अभी हमने एंटर किया। एंट्री गेट के लेफ्ट हैंड साइड पर ही आपको बड़ा सा कॉमन वॉशरूम मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस इस वॉशरूम को बनाया गया है। अब क्योंकि लग्जूरियस फ्लैट है सो आप देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल इस फ्लैट में जो टाइल वर्क है वो किया गया है। साथ ही आप देख सकते हैं जो टॉयलेट सीट है वो वॉल माउंटेड टॉयलेट सीट मिलेगी। हैंड वॉश के लिए यहाँ पर सिंक मिलता है जिसमें आपको स्टोरेज स्पेस भी मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको शावर हेड मिलता है, इस तरफ आप देखेंगे तो छोटा मूवेबल शावर हेड मिलता है। और साथ ही यहाँ पर आपको टैप्स के कनेक्शन दिए गए हैं। वॉशरूम में भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का डिजाइन मिल जाता है और इस तरफ आपको वेंटिलेशन के लिए स्पेस दिया गया है। सो काफी स्पेशियस एंड काफी प्रीमियम क्वालिटी का यहाँ पर वॉशरूम बनकर तैयार हुआ है। सो फ्रेंड्स, लिविंग एरिया देखने के बाद अब मैं दिखाता हूं आपको हमारा काफी ब्यूटीफुल एंड बिग साइज का किचन। आइए। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा काफी स्पेशियस किचन बनाया गया है। आप देख सकते हैं एंट्री गेट पे कुछ इस तरह का आपको डिजाइन मिलता है, वुड वर्क किया गया है। और किचन एंट्रेंस के ऊपर ही आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का फॉल सीलिंग का डिजाइन किया गया है। किचन में एंट्री करने पर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊंगा फ्रिज के लिए स्पेस। यहाँ पर आपको सिंगल डोर या डबल डोर कैसा भी आप चाहें फ्रिज लगा सकते हैं जिसके लिए प्लग पॉइंट्स भी दिए गए हैं। जो भी प्लग पॉइंट्स यहाँ पर लगाए गए हैं काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के और ब्रांडेड दिए गए हैं। अगर आप स्टोरेज कंपार्टमेंट्स की बात करें सो आप चाहे ऊपर की बात करते हो या फिर नीचे की, दोनों में ही आपको काफ़ी ब्यूटीफुल माइका का वर्क किया गया है। और साथ ही आपको बताता चलूँ काफ़ी स्पेशियस ये स्पेसेस दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप बात करें ऊपर आपको राशन से रिलेटेड छोटे बड़े बॉक्सेस रखने का स्पेस मिल जाता है। साथ ही नीचे आपको कटलरी वेस्ट को ऑर्गेनाइज करने का स्पेस दिया गया है। बताता चलूँ यहाँ पर जितने भी ये जो स्टोरेज स्पेसेस हैं उनका डोर्स का जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो सॉफ्ट क्लोजर मैकेनिज्म है जिसकी वजह से ये लॉन्ग लास्टिंग तो चलते ही हैं, साथ ही इन्हें ओपन या क्लोज करते टाइम शोर भी नहीं होता है। इस तरफ आप देख सकते हैं एक खूबसूरत सा पेंट्री बनाया गया है, मैं आपको उसे ओपन करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमें काफ़ी स्पेशियस पेंट्री एरिया मिल जाता है। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिलता है। जितने भी स्टोरेज कंपार्टमेंट्स हैं ये सारे स्टेनलेस स्टील के बनाए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है और जो कि इस किचन को प्रीमियम लुक तो प्रोवाइड करता ही है। स्टोरेज स्पेसेस के साथ ही मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर आपको ब्रांडेड चिमनी भी लगी हुई मिलती है। ग्लेन ब्रांड की ये चिमनी लगी है जो काफ़ी प्रीमियम ब्रांड है। साथ ही आपको बताता चलूँ
चिमनी के साथ ही यहाँ पर आपको विंडो भी मिल जाता है एक्स्ट्रा वेंटिलेशन के लिए। सो आप चाहें तो विंडो ओपन करके भी अपना किचन यूज कर सकते हैं। साथ ही किचन के अंदर भी आप देख सकते हैं फॉल सीलिंग का काफी प्रीमियम डिजाइन मिल जाता है। किचन में अगर आप टॉप की बात करें तो इस एरिया को व्हाइट मार्बल से बनाया गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, और साथ ही यहाँ पर आपको काफी स्पेशियस किचन सिंक देखने को मिल जाता है जिसके साथ आपको टैप्स कनेक्शन भी दिए गए हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा ओवरऑल किचन जो काफी स्पेशियस एंड काफी ब्यूटीफुल बनाया गया है। आइए अब मैं ले चलता हूं आपको हमारे फर्स्ट बेडरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, लिविंग एरिया में एंट्री करते हैं जब, ये हमारा एंट्री गेट है, उसके साथ मैंने आपको ये वॉशरूम दिखाया था और उसके बाद आपको हमारा ये फर्स्ट बेडरूम का एंट्री गेट मिलता है। चलिए बेडरूम में चलते हैं। जैसे ही बेडरूम के अंदर एंटर करेंगे सबसे पहले आप बात करेंगे स्पेस की, तो स्पेस काफी अच्छा आपको मिल जाता है। यहाँ पर अगर आप डबल बेड भी लगाएंगे उसके बाद भी तीनों साइड आपको अच्छा खासा एरिया मिल जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर वॉलपेपर की तो काफी प्रीमियम 3D वॉलपेपर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया गया है। साथ ही अगर आप बात करते हैं फॉल सीलिंग के डिजाइन की तो फॉल सीलिंग का डिजाइन कुछ इस तरह का प्रोवाइड किया गया है। अगर आप वेंटिलेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर शाफ्ट से कनेक्टेड एक विंडो दी गई है जिससे प्रॉपर वेंटिलेशन होता है इस रूम का, और उसके साथ ही आपको यहाँ पर स्प्लिट AC कनेक्टिविटी भी दी गई है। अगर रूम के इस तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा आपको स्टोरेज के लिए वार्डरोब दिया गया है, और देख सकते हैं काफी ब्यूटीफुल मटेरियल यहाँ पर वार्डरोब का यूज किया गया है। मैं आपको एक बार वार्डरोब भी ओपन करके दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये वार्डरोब स्लाइडिंग डोर्स के साथ बनाया गया है जो काफी प्रीमियम फीचर है। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के छोटे छोटे स्पेसेस मिल जाते हैं जिसमें आप अपने डेकोरेटिव आइटम्स भी रख सकते हैं। इस तरफ आपको एक छोटा और स्पेस मिल जाता है जिसमें आप अपनी जरूरत का सामान रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट बेडरूम। आइए अब मैं ले चलता हूँ आपको हमारे सेकेंड बेडरूम में। सो फ्रेंड्स, लिविंग एरिया के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देखते हैं सेकेंड बेडरूम का एंट्री डोर है। आइए चलते हैं बेडरूम के अंदर। फ्रेंड्स, जैसे हम बेडरूम के अंदर एंटर करते हैं सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा स्पेस। काफी स्पेशियस इस बेडरूम को डिजाइन किया गया है। बताता चलूं, जैसे हम एंटर करते हैं इस तरफ आप देख सकते हैं यहां पर आपको शाफ्ट से कनेक्टिविटी मिलती है इस रूम के वेंटिलेशन के लिए। ये जो डोर आप देख रहे हैं ये डोर हमारा वॉशरूम से कनेक्टेड है। इस फ्लैट के अंदर आपको टोटल 3 वॉशरूम्स मिलते हैं जो कि काफी अच्छी बात है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ड्रेसिंग टेबल भी मिल जाता है जो कि काफी अच्छा फीचर आपको प्रोवाइड किया जाता है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको स्प्लिट AC कनेक्टिविटी मिल जाती है। अगर मैं रूम के इस तरफ आता हूं तो आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम यहां पर वॉलपेपर लगाया गया है, और इस रूम में ही आपको यहां पर अटैच वॉशरूम मिलता है। आइए मैं आपको एक बार वॉशरूम भी दिखा देता हूं। सो फ्रेंड्स, मैंने वॉशरूम का गेट ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं काफी स्पेशियस ये वॉशरूम बनाया गया है। फ्लोर टाइल वर्क देख सकते हैं काफी प्रीमियम यहाँ पर लगाया गया है। वॉल टाइल्स भी आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम यहाँ पर की गई है। सारी सैनिटरी फिटिंग्स यहाँ पे काफी प्रीमियम लगाई गई है। टॉयलेट सीट, हैंड वॉश के लिए सिंक, और साथ ही आपको शावर हेड एंड टैप्स कनेक्शन दिए गए हैं। इस वॉशरूम की 2 साइड एंट्री है। ये हमारा थर्ड बेडरूम है जहां से हम इसे एंट्री कर सकते हैं। तो आपको 2 साइड से यहाँ पर इस वॉशरूम में एंट्रेंस मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा सेकेंड बेडरूम। आइए अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, किचन के साथ ही एक गेट दिया गया है जो कि हमारे थर्ड बेडरूम का गेट है। आइए चलते हैं बेडरूम के अंदर। जैसे हम बेडरूम में एंटर करते हैं सबसे पहले स्पेस की बात करेंगे। काफी स्पेशियस यहाँ पर आपको ये बेडरूम दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 3D वॉलपेपर दिया गया है जो काफी प्रीमियम फीचर है। साथ ही आप देखें तो यहाँ पर आपको वार्डरोब भी प्रोवाइड किया गया है। इस तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको बड़ी सी विंडो प्रोवाइड की गई है जो कि बालकनी से कनेक्टेड है, और साथ ही आपको एक गेट मिलता है जहाँ से आपको बालकनी में एंट्रेंस के लिए स्पेस मिल जाता है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको LED TV कनेक्ट करने के लिए स्पेस मिल जाता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी दिए गए हैं। फॉल सीलिंग के डिजाइन की बात करें तो इस तरह का आपको फॉल सीलिंग का डिजाइन दिया गया है जो काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। जब आप इस बेडरूम में एंटर करते हैं सामने आपको वॉलपेपर तो देखने को मिलता ही है। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक वॉशरूम भी मिल जाता है। मैं आपको बताता चलूँ, ये जो हमने सेकंड बेडरूम देखा था उसके साथ जो वॉशरूम मिलता है
उसी वॉशरूम का यहाँ से भी एंट्रेंस मिल जाता है। एक बार मैं आपको गेट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, जैसे हमने सेकंड बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम देखा था, ये वही वॉशरूम है। ये हमारा सेकंड बेडरूम का एंट्री और एग्जिट के लिए ये हमारा डोर दिया गया है। आप देख सकते हैं टू साइड ओपन ये वॉशरूम है, जो कि काफी अच्छी बात है। सो दो रूम्स के साथ आपको ये अटैच वॉशरूम मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आइए अब मैं दिखाता हूं आपको हमारा बालकनी का एरिया। फ्रेंड्स, मैंने बालकनी का गेट ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस बालकनी दी गई है, काफ़ी वाइड एंड लॉन्ग बालकनी आपको प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील का यहाँ पर ग्रिल लगाया गया है, जिसके साथ आपको ग्लास वर्क भी मिलेगा। आपको बताता चलूँ, रोड काफ़ी वाइड है, गेटेड सोसाइटी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर गेट लगा है, और ये जो रोड है सीधा द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है। इस तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पर डुअल टोन टाइल वर्क मिल जाएगा, तो बालकनी भी काफ़ी प्रीमियम बनाई गई है। बालकनी में आपको टैप्स का कनेक्शन मिलता है, जिससे आप अपनी वॉशिंग मशीन भी कनेक्ट करके कपड़े धो सकते हैं। और ये जो डोर आप देख रहे हैं, ये हमारा थर्ड बेडरूम की कनेक्टिविटी के लिए डोर मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा बालकनी का एरिया। आइए चलते हैं हमारे बेडरूम के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा थर्ड बेडरूम। आइए चलते हैं अब हमारे फोर्थ बेडरूम के अंदर। फ्रेंड्स, जैसा हमने किचन के राइट हैंड साइड पे थर्ड बेडरूम देखा था, उसी तरह किचन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें फोर्थ एंड लास्ट बेडरूम मिलता है इस 115 गज के 4 BHK फ्लैट का। जैसे हम एंटर करते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा स्पेस। काफ़ी स्पेशियस इस फ्लैट को बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप देखें तो एंट्री करते ही आपको काफ़ी प्रीमियम वॉलपेपर देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। ऊपर अगर आप बात करें तो फॉल सीलिंग का डिज़ाइन कुछ इस तरह से दिया गया है, जो काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। कुछ इस तरह का वर्क यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। ये जो गेट है, ये हमारा एंट्री गेट है, जहाँ से हमने इस बेडरूम के अंदर एंटर किया था। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर बड़ा सा वार्डरोब भी देखने को मिलेगा, जो कि वॉलपेपर के साथ ही लगा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस ये वार्डरोब दिया गया है, जैसा कि हमने प्रीवियस बेडरूम के अंदर देखा था। ये वार्डरोब भी आपको स्लाइडिंग डोर्स के साथ मिलता है, और इसमें भी आपको वैसा ही स्पेस मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। काफ़ी स्पेशियस भी है ये। साथ ही आप देख सकते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट कुछ इस तरह से मिलते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स यहाँ पर आप लगा सकते हैं। इस तरफ के वार्डरोब के बाद मैं आपको बताता चलूं, यहाँ पर आपको अटैच वॉशरूम मिलता है। ये जो वॉशरूम है, इस फ्लैट का थर्ड वॉशरूम है। मैं आपको वॉशरूम भी दिखा देता हूँ। जैसे हम वॉशरूम में एंटर करते हैं, सबसे पहले स्पेस की बात करें तो काफ़ी स्पेशियस है ये वॉशरूम। इस तरफ अगर आप देखें तो टाइल वर्क काफ़ी प्रीमियम यहाँ पर मिल जाता है। इस तरफ आप देखें तो यहाँ पर आपको टॉयलेट सीट, यहाँ पर हैंड वॉश के लिए सिंक, इस तरफ आपको टैप्स के कनेक्शन, और यहाँ पर आपको शावर हेड मिल जाता है। गीजर कनेक्टिविटी के साथ साथ यहाँ पर आपको फॉल सीलिंग का भी डिज़ाइन मिल जाता है, जो काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है। अगर मैं इस बेडरूम में वॉलपेपर की तरफ खड़ा होता हूं, तो आप देख सकते हैं यहां पर LED TV पैनल देखने को मिलता है। उसके नीचे ही आप देख सकते हैं स्टोरेज कंपार्टमेंट्स भी मिलते हैं, जहां पर आप अपना TV से रिलेटेड एसेसरी स्टोर कर सकते हैं। ये जो डोर आप देख रहे हैं, ये हमारा फ्रंट की बालकनी से कनेक्टेड डोर है, जो कि मैंने आपको थर्ड बेडरूम से दिखाई दी थी। एक बार मैं ये गेट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने बालकनी का गेट ओपन कर दिया है, और ये वही सेम बालकनी है जो अभी मैंने प्रीवियस रूम्स में आपको दिखाई थी। सो आइए चलते हैं वापस अपने बेडरूम में। फ्रेंड्स, ये था हमारा फोर्थ बेडरूम, जो कि बालकनी से कनेक्टेड है। इस फ्लैट में आपको दो बेडरूम्स मिलते हैं, जो बालकनी से कनेक्टेड है। सो फ्रेंड्स, फ्लैट आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। फ्लैट से रिलेटेड कोई क्वेरीज हो तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।